इतनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और हमने ये प्लान किया था, प्री प्लान है, और इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि एक बार में बुलाने में ये लोग टाइम से पहले आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा लेट मैं होता हूँ हमेशा की तरह, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना प्यार करते हैं मुझे ये लोग, सब लोग यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए लोग बहुत प्यार करते हैं। और जन्मदिन एक ऐसा है कि एक साल कम ज़रूर होता है, पर लाइफ में कुछ चेंज, कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरा साल याद रहता हमें कि मैंने क्या किया हुआ है और क्या नहीं करना, क्या अच्छा करना। किसको मिस कर रहे हैं आज के दिन अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? फैमिली मैंने लास्ट बर्थडे शायद अपने घर पे मनाया था, यहाँ मुंबई में, जो हम लोग रहते थे एक साथ, तो साथ में था, कुछ अलग माहौल था, और ये भी एक फैमिली है और फैमिली में मज़ा आता है। बस यही चीज़ मिस होती है कि आगे चल के कुछ अच्छा हो जिससे फिर से हम लोग साथ हो जाएं तो और अच्छा रहेगा। क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में अगर बात करें तो? अभी तो ज़्यादातर कबीर सिंह ही चल रहा है, लव लाइफ ज़्यादा अच्छी है और काम भी अच्छा चल रहा है, और ये मैं महसूस करता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि बर्थडे के दिन अगर कुछ डिसाइड किया जाए तो आपकी उम्मीदों में वो आपकी तरफ से बिल्कुल खरा उतरने के लिए आपको खुद मजबूर करता है। दोस्तों ने पहले ही बता दिया था आपको कि आज आपका बर्थडे मनाएंगे हम? सरप्राइज तो नहीं कह सकते, पर दो चार लोगों ने सरप्राइज किया फेसबुक के थ्रू, क्योंकि हर साल डेट चेंज होता है, आज ही अपडेट आया कि फेसबुक में मेरा बर्थडे है। तो खुशी मिलती है कि यार जो लोग नहीं बात करते या फिर बहुत दिन बाद बात करते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई मैसेज करेंगे, बात करेंगे, बिजी होने के कारण नहीं कर पाते हैं, बर्थडे एक ऐसा चीज़ है कि हमेशा वो तुरंत फ़ोन करते या मैसेज करते हैं, बोलते यार जैद वी मिस यू। क्या कहना चाहेंगे आज आपके फ्रेंड का, दोस्त का बर्थडे है तो कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं तो विश करना चाहूंगी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और बस यही दुआ है कि आप बहुत सारी कामयाबी मिले आपको आपकी जिंदगी में, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत सारी खुशियां आपको मिले। बस आपने भी घड़ी वॉच की? हाँ, मैंने वॉच गिफ्ट की है, इसलिए कि अभी इनके आगे में जो भी वक्त आएगा वो बहुत ही खुशनुमा रहेगा, बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा, तो मैंने इनको एक बहुत अच्छा वक्त दिया है, और आगे भी हमारा पूरा सपोर्ट है इनको, और वी लव यू अ लॉट एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कोई एडवाइस देना चाहें अगर आप? एडवाइस नहीं, बस थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना सीखे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, अदरवाइज ही इज वेरी नाइस पर्सन। आप क्या कहना चाहेंगे? सैयद वाकई एक बहुत अच्छा होनहार, कर्मठ इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, अपने काम को जानता है, इल्म है उसको, और अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर काम करता है उसके ऊपर, और अपने ऊपर काम करता है, डिसिप्लिन है, डिटरमिन्ड है, और ये सारी खूबियाँ जिनके अंदर होता है उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। तो ये डायरेक्ट ऊपर वाले से चैलेंज कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक नीचे वाला ऊपर वाले को चुनौती दे रहा है, ऐसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, और मैं चाहता हूँ ये सदा आगे ऐसे ही निरंतर तेज गति से बढ़ता रहे। आप क्या शुभकामनाएं देंगे? थैंक यू। आज इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो कौन सबसे ज़्यादा करीब है और ख़ास है आपके लिए? करीब तो सारे लोग हैं, मैं फिर से इसलिए बोलना चाहता हूँ कि राजकुमार सर पिता समान तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा लगेगी, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा इंस्पायर करते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा बोला इसलिए मैं दोबारा माइक पे आया, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतना जल्दी इनकी लॉबी में आया और इनके पास हूँ। जब भी परेशान होता हूँ सारे दुख सारे सुख इनसे शेयर करता हूँ, यही हैं दो चार लोग मेरे लाइफ के करीब, और जो बहुत दूर है वो भी करीब है, पर एक मसला है ज़िंदगी का जिससे हम मशगूल रहते हैं, दूर रहते हैं, पर इनके पास आके लगता है कि बस शायद यही है। सब लोग, हम लोग माँ बाप से दूर है, एक दूसरे के फैमिली बनते हैं, शेयर करते हैं, बहुत खुशी का मौका है कि मेरे लिए इतना अच्छा बोलते हैं, इस लायक भी नहीं फिर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत सुमन जी का भी शुक्रगुजार हूँ, राजकुमार जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आप, इतनी तारीफ कर दी इन्होंने आपके बारे में? थैंक यू सो मच, वी रियली लव यू जैन, एंड वी all time support you anytime any day, and keep going, and you doing very well, wish you very all the best. Thank you.